हाँ जी जी सत श्री अकाल जी, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शबीर बाबा जी, और असी अज पहुँचे हाँ गुरु अर्जन देव जी दे शहीदी स्थान दे उत्ते गुरद्वारा श्री डेरा साहब दे विच जिहड़ी कार सेवा चल रही है। तुसी देख सकते हो कि गुरद्वारा साहिब दा गोल्डन गुंबद जिहड़ा है इस दर्शनी ड्यूड़ी की बैकसाइड दे उत्ते तुसी नज़र आ रहे तुहानू, और इत्थे संगतां वास्ते जगह बहुत छोटी सी दर्शन दीदारे भरन वास्ते। सो ये ड्योड़ियाँ जड़ियाँ बन रही ने अगे, इन्हां दी बनाण दी लोड़ सी, ठीक है जी, इस वास्ते। सो आपां चलदे आं अंदर, और अंदर चल के तुहानूं असीं दर्शन करवाने शहीदी स्थान दे। गुरु अर्जन देव जी दा 414वां शहीदी दिहाड़ जिहड़ा है वह आ चुक्या है। यह बिल्डिंग तुसी अक्सर तस्वीरों च देखी होएगी जिहड़ी कि तारीखी है, और अगे जिहड़ा बिल्कुल ओरिजिनल आर्कीटेक्चर है, यह तुसी देख सकते हो। गुरु खंडे जिहड़े ने मार्बल दे विच इनग्रेव ने, वाइट मैकरोना दे विच जिहड़े ने, द सिंबल ऑफ खालसा, शहीदां दे सरताज गुरु अर्जन देव जी महाराज एक ओंकार। अगे तुसी देख सकते हो पंथियां लिखिया हुई ने, और नाल दी नाल तुसी फुलकारी देखो किन्नी खूबसूरत है। आओ तुहानूं दिखाने असी पुरातन जिहड़ी चित्रकारी है, यह देखो तुसी देख सकते हो पुरातन चित्रकारी जिहड़ी है वह हुई हुई है, और ओरिजिनल तुसी छतां तुसी देख सकते हो जिहड़ियां कि मुगलई पीरियड मुगल पीरियड दियां जिहड़ियां ने वो लगियां हुई इट्टां, मुगलई इट का यूज होया हुआ है। पुरातन चित्रकारी जिहड़ी है वाल फ्रेस्को एंड आर्ट्स जिहड़ा है वो मौजूद है। महानता दे दौर दियां बनियां हुई चीज़ां, ठीक है जी। गो के इन्हां दी वैल्यू जिहड़ी है वो सिख इतिहास च नहीं है। उत्ते थोड़ा थोड़ा शीश महल का काम नज़र आ रहा, नाल दी नाल तुहानूं असीं चित्रकारी पहले दिखाने हैं सारी दी सारी के जिहड़ी होई हुई है बाबा गुरु नानक साहिब। यह देख सकते हो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, अगे चलते हाँ। तुसी बल्कि वॉल फ्रेस्को जोड़ा है एक बारी डिटेल्स नाल देख लो सारा, ये सब पुरातन है जो कि महाराजा रणजीत सिंह के दौर दे सारिया गया सी, सेम उही है। ठीक है जी, ये आ गई जी गुरु महाराज की समाध। शहीदी स्थान गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजवीं पातशाही की ज्योति जोत समान की जगह। देखो तुसी है उर्दू दे विच सेवा करवाई भी लिखी हुई है, सेवा करवाई सरदार मोहन सिंह जी, ठीक है जी। असीं तुहानू अंदर जाके कोशिश करते हैं दर्शन कराउण दी। लो जी अंदर दी खूबसूरत शीश महल दी चित्रकारी, शहीदी स्थान गुरु अर्जन जी अर्जन देव जी महाराज आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर फोर्ट गुरुद्वारा श्री डेरा साहिब। पहली बारी देख रहे हैं कि एक ओंकार तो बाद बहुत ही बारीक बारीक जड़ी है
कोई पंथियां लिखिया हुई ने ये तुसी देख सकते हो। ठीक है जी, और उस जगह के उत्ते जगह जगह सेवा करवाइया जड़िया ने वो स्थापित कीतिया गई ने, जिन्हों वालों संगत वालों जो सेवा की गई है वो सारी इतने लिखी हुई है। आप चलते हैं बाहर तो बौली साहब का आप जी ने दर्शन करवाने। शहीदी स्थान गुरु अर्जन देव जी महाराज, ठीक है जी, बहुत ही सोहना मार्बल कर्विंग है, बहुत बारीक काम होया हुआ है। जिस तरह कि आप जी ने दसाया गया चौखट की सेवा के मुतलक जोड़ा है वो लिखा हुआ है। बौली साहब के मुतलक कुछ संगत की ऑब्जरवेशन सी कि बौली साहब जड़ी है वो निशान जड़े ने हुण नज़र नहीं आते, लेकिन मेरी गल हुई है बकायदा तौर के उत्ते बौली साहब नूं पूरा प्रिजर्व किया गया है। यह देख सकते हो तुसी यह बौली साहब नूं जांदियां होईयां सीढ़ियां ने अंडरग्राउंड जिथे जाके गुरु महाराज, ठीक है जी, यह सीढ़ियां जा रही ने थले, ठीक है जी, उस वेले रावी च उतरदियां सन सीढ़ियां। यह ओल्ड स्थान जड़ा है जिथे कि पुराना सी, यह देखो तुसी किन्ना विशाल करके खुला किया गया ताकि हुण जदों संगतां इत्थे शहीदी जोड़ मेला जुड़िया करेगा तो संगतां जिहड़ियां ने ज़्यादा तो ज़्यादा दर्शन दीदारे भर सकणगियां। पहले जिहड़ा सी उह थोड़ा जिहा कट्ठ करन च मुश्किल हुंदी सी, दिक्कत हुंदी सी, जगह छोटी पै जांदी सी। एक चीज़ दे होर आपां अज तुहानू दर्शन करवाउण दी कोशिश करदे हां जी, अगर साडे कोलों हो सकिया। और तुसी देख रहे हो अज शहीदी स्थान गुरु अर्जन देव जी महाराज, जिन्हां दा इस वेले शहीदी जोड़ आ रहा है, 414वां उन्हां दा इत्थे मनाया जाएगा और बड़े जोरां शोरां दे नाल इस जगह ते जोत जलदी है। मैं हाँ थोड़ा अपना होस्ट शाहिद शब्बीर बाबा जी, और तुसी देख रहे हो रेडियो साडे आला। संगत जी वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। असी अज उस जगह दे उत्ते पहुंचे हाँ जिथे घट लोगों नूं आण दी कह लो परमिशन मिलती है, या घट लोग उस जगह दे उत्ते आ पाते ने। शहीदां दे सरदार गुरु अर्जन देव जी महाराज दे शहीदी स्थान दे उत्ते असी इस वेले पहुंचे हुए हाँ, और उस मुकद्दस गुंबद ते जिथे कि खालसा पंथ का हर एक दिल धड़कदा है, जिस स्थान दे उत्ते असी उस स्थान दे उत्ते खलोते हुए हाँ कि जिथे दी हाजरी भरन वास्ते हर गुरु सिख जिहड़ा है वह बेताब हुंदा कि मैं किहड़े वेले जावां तो उन्हां दे शहीदी स्थान दे उत्ते हाजरी भरां। तो जी मैं कहांगा कि ये जिहड़ी एफर्ट पूरी हुई वो पूरी हुई रेडियो साढ़े आला दी तरफों, रेडियो साढ़े आला ने ये तुहाडे लई उपराला कीता और अपनी टीम नूं लाहौर भेज के तो ये सारा कुछ कवर करवाउण दी कोशिश की। अज दे सफर दे विच साढ़े नाल सारा दिन जैनीफर जी जिहड़े ने साढ़े थर्ड जेंडर दे असी चैनल ते जिन्हां नूं इंट्रोड्यूस करवा रहे हाँ वो आ रहे हैं, जिन्हां ने कि अगे फरदर सानूं चैनल दे उत्ते कल्चर एंड हैरीटेज दे उत्ते काम करना है। तो जी पाकिस्तान दे विच ठीक अज तो एक दिन बाद यानी कि कल तो गुरु अर्जन देव जी का शहीदी जोड़ मेला जोड़ा वो शुरू हो जाएगा। इत्थे गुरु महाराज दे याद दे विच जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब का पाठ जिहड़ा आरंभ किया जाएगा, और फिर उस तो बाद तीन दिन बाद जिहड़ा है वो दी समाप्ति होएगी और भोग पाया जाएगा।
और मुकम्मल जिहड़ी सिख रहत मर्यादा उहदे तहत जिहड़ा शहीदी जोड़ मेला जिहड़ा उहनूं मनाया जाएगा। जी जैनिफर जी, कैसा लगा अज दा दिन तुहानूं इत्थे सारा आ के देख के? जी बाबा जी, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रही हाँ कि बहुत ज़बरदस्त जगह है जी, जगह पर सानू लैके आए हो, मैं लैके आए हो। और मेरा तो जिस तरह कि मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होया पाया कि मैं अपना हैरीटेज के बारे च, खासकर सिखिज़म के बारे च, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिड सी कि इन्हों की तारीख के हवाले नाल जानना चाहती सी मजीद इस चीज़ को। और इतने मैं कभी नहीं हाली तक आई, लाहौर शहर च रह के भी मैं अज तक इतने आना नसीब नहीं होया। अज तुहाडे तवस्सुब नाल मैं इतने आई हाँ, और इन्ने शानदार नज़ारे और इन्नी शानदार तारीख का हिस्सा है जी जगह है जिथे असी खड़े हाँ, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई हाँ और बड़ा अच्छा लग रहा है मैनू यह सारा कुछ देख के। तुसीं तरीके लाहौर बड़ी कन्हैया लाल दी, उहदे विच जिहड़ा चैप्टर गुरद्वारा श्री डेरा साहब और गुरु अर्जन देव जी की शहीदी अस्थान के बारे च, ते अज तुसीं लाहौर निवासी हो के तुसीं अपनी जिंदगी दे इन्ने सालों दे विच कदी भी इत्थे नहीं आ पाए, अज तुसीं पहली बारी आए, तो तुहानूं किंज दा महसूस हो रहा है? मैं बिल्कुल यही चीज़ तुहानूं मैं पहले भी कही है कि मैं किताब के पन्नियां च इन्हां नूं मैं देखिया सी, सुनिया सी, अज पहली दफ़ा मैनूं यह मौका मिलिया तुहाडे तवस्सुब नाल, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि मैनूं बहुत अच्छा लग रहा है कि जिन्हां नूं मैं किताबां च पढ़िया और समझिया और फील किया सी, अज उहनूं बगैता मैं अपनियां नज़रां नाल उहनां नूं मैं देख सकता। थैंक यू जी जैनी जी, तुसी आज दे सफर दे च साडा साथ दिता, तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। तुहाडा भी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। उम्मीद है तुहानू अज बहुत कुछ सीखण नू मिलिया होएगा सिख हिस्ट्री दे बारे च, जिस तरह के मैं काफ़ी वीडियोज़ दे च तुहानू दिखाना भी हाँ, और अज तुसी बनफसे नफीस उन्हां जगह नू आ के खुद देख लिया। बिल्कुल, असीं हुण संगतां बहुत मेहरबानी है बाबा जी तुहाडी भी कि तुसी आ मौका दिता मैनू इत्थे तक आउण दा। शुक्रिया तुहाडा और मेरे दर्शकां दा जिहड़े तुहानू देखदे ने, तुहाडा प्यार करदे ने, उहनां दा भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये सन जी जैनिफर जी, साढ़े कह लो तुसी पाकिस्तान हैरीटेज क्लब के शीमेल मैंबर ने, किसी भी पाकिस्तान दे विच हैरीटेज क्लब दे विच शायद किते भी कोई शीमेल मैंबर जिहड़ा पाकिस्तान दे विच नहीं होएगा। असी 22 करोड़ लोगों के अनमुले जिहड़े फेसिस ने इन्हां नूं इकट्ठियां करन की कोशिश कर रहे हैं कि जिहड़ी कि इक्वैलिटी है, जेंडर इक्वैलिटी है, उहनूं असी सामने कोशिश कर रहे हैं कि उहनूं असी पूरे दिल नाल या पूरे ध्यान नाल तुहाडे सामने जिहड़ा ना प्रजेंट करिए। और यह मौका जिहड़ा, हाँ जी जी, वो रेडियो साढ़े आला ने पूरी पूरी जी है कोशिश की है, एंड देते थोड़े विचार असं दोबारा लवेंगे, तो असी चलते हैं जरा अगे, तो असं गुंबद के चारों पासों कोशिश करते हैं दिखाने की कि भी गुंबद के चार पासे जोड़ा रोड जाता है, या लाहौर किला है जी, और पिछे बुरज ऑफ लाहौर नज़र आ रहा है, यह तो एंट्रेंस नज़र आ रही है जिथे कि कह लो तुम कुंवर नौने हाल सिंह के उत्ते जो बुरज जोड़ा सी सुटिया गया सी, और इस जगह के उत्ते इस गेट के अगे जिहड़ा डैथ हो गई सी उन्हां दी, इस जगह दे उत्ते ही 2-3 दिन फटर रहण तो बाद यह किंगरे जिहड़े नज़र आ रहे हैं लैफ्ट साइड दे उत्ते, इहदे 2 किंगरे जिहड़े सी उत्तों सुटे गए सी, और जाण बुझ के डोगरियां वालों सुटे गए सी, ध्यान सिंह डोगरियां वालों, और इत्थे ही फिर जिहड़ी सी डैथ जिहड़ी है फटर होण तो बाद जिहड़ी सी कुंवर नौने हाल सिंह दी हो गई सी। रोशनाई गेट है जी लाहौर दा वह दरवाज़ा जिथों के महाराजा रणजीत सिंह नूं अंदर आउण दी दावत दित्ती गई सी रात दे हनेरे च। कार सेवा जारी है जी, लेंटर की सपोर्ट वास्ते, बिल्डिंग की सपोर्ट वास्ते काम किया जा रहा है ताकि बिल्डिंग जी आर्कीटेक्चर मजबूत तो मजबूत होवे, कोई कमी बेशी ना रह जाए। उत्ते चार दरा है जी, चार दरवाजे ने, बहुत ही वधिया। गुंबद शहीदी स्थान गुरु अर्जन देव जी महाराज, अक्सर असी देखते होंगे सी तो सानू दूरों ये चका चौंध करता होया जिहड़ा गुंबद सी सानू नज़र आता होंदा सी, ठीक है जी। ये अंदर भी हल्की हल्की जिहड़ी है चित्रकारी मौजूद है, आपां कोशिश करते हैं तुहानू चित्रकारी जिहड़ी है वो दिखाईए।
वाओ, अंदर वेखो तुसी, गुंबद दे अंदर बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी है। जिहड़े लोग कहिंदे ने कि पाकिस्तान ने इतिहास खराब कर दिता, पाकिस्तान ने इतिहास जिहड़ा है वो मिटा दिता है। देखो इतिहास का कोई पन्ना भी मिटाया नहीं गया। और गुरु अर्जन देव जी का जिहड़ा शहीदी स्थान है उहदे अंदर जिहड़ा गुंबद है, गुंबद अंदर जिहड़ी वॉल फ्रेस्को है वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत दे विच है। तुसी देख सकते हो एक एक फुलकारी, एक एक पन्ना, एक एक पंथी, हर चीज़ मौजूद है। मैं हाँ थोड़ा अपना हूँ शाहिद शब्बीर बाबा जी, और तुसी देख रहे हो शहीदी स्थान गुरु अर्जन देव जी महाराज। उन्होंने उत्ते जिहड़ा गुंबद है, उस गुंबद के उत्ते जिहड़ी मीनाकारी है, चित्रकारी है, वॉल फ्रेस्को है, वॉल आर्ट है, वो सारा का सारा, और ए उत्ते खूबसूरत सोने का पानी फिरिया होया। उम्मीद करता हाँ कि तुसी इस वीडियो नूं ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करोगे, और ये एफर्ट जिहड़ी है रेडियो साढ़े आला की तरफों की गई है। रेडियो साढ़े आला 87.8 FM ऑकलैंड न्यूजीलैंड तो मेरा दावा है कि अज तो पहले कभी भी किसी भी चैनल के उत्ते गुरु महाराज के इस स्थान की इन्नी बरीकी दे नाल कोई भी वीडियो जिहड़ी है तुहानूं नहीं मिली होएगी। The Sikh Tourism in Pakistan with Shahid Shabbir, Radio Sadeala and YouTube, Shahid Shabbir Official. Sada page subscribe karo, sade page nu like karo, Facebook de utte Radio Sadeala aur YouTube de utte Shahid Shabbir Official. Zyada to zyada share karo, zyada to zyada like karo. Thik hai ji, hale car seva jari hai, ais jagah di, ais raste assi andar aaye haan. ठीक है जी, बहुत ही वधिया, बहुत ही प्यारा शहीदी स्थान गुरु अर्जन देव जी महाराज। बहुत बारीकी नाल होया होया काम है जी। अलमारियां जिहड़ियां ना उन्हां दे अंदर भी चित्रकारी होई हुई है। देखो कितना खूबसूरत काम है और कितनी दिल लगी ना कीता गया है।